जिले में आए दिन ओवरलोडिंग से हो रहे हादसों के बाद भी यातायात पुलिस व परिवहन विभाग कुंभकर्णीय नींद से सो रही है। शहर के चौटन रोड, गडरा रोड और गेहूं रोड पर आज भी बसें व छोटे वाहन सवारियों से लबालब होकर चल रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने या इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला दूर तक कोई नजर नहीं आता। पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते जिले में धड़ल्ले से ओवरलोड वाहनों का संचालन हो रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जीपों और बसों की छतों पर बैठकर और यहां तक कि लटक कर यात्रा कर रहे हैं। क्षेत्र में लंबे समय से ओवरलोड वाहनों का संचालन हो रहा है। इसके साथ ही इन ओवरलोड वाहनों की स्थिति भी काफ़ी विकट है। यहां दर्जनों वाहन चालक ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर हादसे को न्योता दे रहे हैं। इन वाहनों में दैनिक यात्री के रूप में स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी लटक कर सफर कर रहे हैं। वाहन में चौटन मार्ग पर अवैध रूप से संचालित हो रहे वाहनों की वजह से हालात सबसे ज़्यादा खराब है। इस मार्ग पर आए दिन हादसों की खबर आती रहती है। हादसों की वजह से दर्जनों लोग एक साथ जान गंवा चुके हैं तो सैकड़ों घायल हो चुके हैं। पुलिस और परिवहन विभाग जानबूझकर जिले में चल रहे अवैध ओवरलोड वाहनों के मामले में अनभिज्ञ बने हुए हैं। बाड़मेर शहर सहित जिले भर में सरपड़ दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों से पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी अनजान नहीं है, लेकिन हादसों के बावजूद भी अधिकारी इन ओवरलोड वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, यह समझ से परे है। हालांकि पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी समय समय पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो कहते हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी ओर से की जाने वाली कार्रवाई सिर्फ सड़क सुरक्षा जैसे अभियानों और विभाग की ओर से दिए जा रहे टारगेट को पूरा करने तक ही सीमित है।